ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्लीज पुट द हेडिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ठीक है सब लोग टेबल बुक निकाल लो और कल देखो ग्रुप में एक असाइनमेंट आया होगा आ, वो पीडीएफ सब लोग अपना फोन में खोल लो ठीक है दैट इज बेसिक पीडीएफ दैट इज बेसिक पीडीएफ ठीक है सो बेसिकली आज हम लोग सारा डिस्ट्रीब्यूशंस कवर करेंगे ठीक है जितना भी सारा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है सो so नोट्स आपके स्क्रीन पे है ठीक है नोट्स आपको पूरा जैसे मैंने लिखा है वैसे ही पूरा कॉपी करना है मैं आपको पूरा समझाते समझाते आगे बढ़ूंगा ठीक है सो सबसे पहले हेडिंग लगाना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है फिर हेडिंग लगाना डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस फिर हेडिंग लगाना डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस िटी डिस्ट्रीब्यूशन फिर हेडिंग लगाना डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तुम लास्ट बेंच तो तो सामने ठीक तो, है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है और जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है तुम भी थर्ड बेंच में आ जा और जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पुट द हेडिंग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आप ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सब लोग कॉपी करेगा ठीक है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन क्या है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन क्या है फर्स्ट सक्सेस देखो मैंने लिखा है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन क्या है फर्स्ट सक्सेस ठीक है सो फर्स्ट सक्सेस का मतलब क्या है जैसे मान लो CS1 का एग्जाम तुम पहला अटेम्प्ट दिया, तुम पहला बार में पास हो निकला तो फोर्थ अटेम्प्ट में तुमको सक्सेस मिला मतलब पहला तीन में तुमको क्या मिला होगा फेलियर ठीक है ना इसका जो नोटेशन है देख लो इसका जो नोटेशन है, है देख लो इसका नोटेशन दीओपी एक्स फॉलोजी सब डिस्ट्रीब्यूशन का आइडेंटिफिकेशन लिखते चलना ठीक है एंड पी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन पी प्लस क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों को मिलाएंगे दोनों को मिलाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फटाफट से कॉपी निकालकर कॉपी करना चालू करो Probability of success and probability of failure, दोनों को मिलाएंगे तो वन आएगा ठीक है ना दोनों को मिलाएंगे तो वन आएगा का का, सबसे बड़ा identification क्या है? यहां पर हम लोग बात करेंगे ठीक है पहला सक्सेस का मतलब क्या है जैसे मान लो कोई भी चीज हो कोई भी चीज हो तुम लूडो का गेम खेल रहे उसमें गोटी कब निकलता है आने पे तो तुम ट्राई किए जा रहे सेवेंथ अटेम्प्ट में तुम्हारा गोटी निकला तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि पहला छह में क्या आया मेरे को फेलियर एंड लास्ट वाले में, में मेरे को क्या आया सक्सेस ठीक है ओके सो फर्स्ट सक्सेस जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी आओ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन ठीक है अगर जो लोग भी लेट आए हैं सबको मैंने देखो ग्रुप में कल का क्लास का पीडीएफ दे दिया है और एक असाइनमेंट भी दे दिया है ठीक है सब लोग टेबल बुक निकाल लो सब लोग टेबल बुक निकाल लो अप्रोक्सीमेटली कल जो मैंने क्लास में कराया था वो मेरे को आज कराने में लगभग लगभग दो घंटा लगेगा अभी समय हुआ है ग्यारह आप लोग का ब्रेक होगा एक बजे के आसपास ठीक है एंड उसके बाद हम लोग सेकेंड हाफ में बाकी के सारे डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्री हैंड प्रैक्टिस करेंगे ठीक है अच्छा मैंने आप लोग से प्लान नहीं डिस्कस किया जैसे लास्ट क्लास हमने वे रैंडम वेरिएबल्स किया आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद में आ,

क्योंकि अभी दुर्गा पूजा आ जाएगा उसमें भी हम लोग का पूरा वन वीक रफली ऑफ हो ही जाएगा ठीक है ना तो हम लोग अपना जो बेसिकली ट्रैक है उसको हम लोग नहीं भूलेंगे एंड देर आर सम माइनर चेंजेस इन द सिलेबस ऑल्सो तो वो सिलेबस के जो चेंजेस है उसको भी हम लोग को मतलब मैं बता दूंगा ग्रुप में ठीक है ना जो मेन जो ग्रुप है उसको सब लोग एकदम अच्छे से फॉलो करेगा उसमें कोई बकवास नहीं हो रहा है ओनली एडमिट ओनली मैसेज हो गया उसमें ठीक है ना तो उसमें सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ग्रुप का पीडीएफ वगैरह सब कुछ उसी में आएगा ठीक है चलो पहले लिखना पीडीएफ इसका पीडीएफ लिखो प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू टू पी क्यू एक्स माइनस वन पी क्यू टू दिवर पावर एक्स माइनस वन ठीक है सो यहां पर ऐसा क्यों है यहां पर ऐसा क्यों है एक्स मेरा क्या है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स एक्स मेरा क्या है देखो लिखो एक्स मेरा क्या है एक्स क्या है ट्रायल्स है और क्या है? ना एक्स क्यों, तो मेरा ट्रायल्स तो ट्रायल्स तो जीरो नहीं हो सकता है ट्रायल मिनिमम क्या होगा वन तुम पहला बार ट्राई किया और उसमें तुमको सिक्स आ गया तुम दूसरा बार ट्राई किया तुमको दूसरे बार में सिक्स आया मतलब तुमको पहले वाले में क्या आया फेलियर तुम तीसरे बार में तुमको सक्सेस मिला मतलब पहला तो मैं तुमको क्या आया फेलियर ठीक है एक्सेस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स सो दिस इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सब लोग टेबल बुक निकालो सब लोग टेबल बुक निकालो टेबल बुक में एक बार पेजेस टर्न करना टेबल बुक में हम लोग पेजेस टर्न करेंगे तो देखना टेबल बुक का हम लोग को आना है टेबल बुक हम लोग आना है पेज नंबर सिक्स में पेज नंबर सिक्स में देखो चालू हो रहा है बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नोली पॉइजन ठीक है अब तुम लोग आओ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी कुछ समझाएंगे नहीं खाली दिखाएंगे नेगेटिव बाइनोमियल में देखो टाइप टू में पेज नंबर नाइन में लिखा हुआ है द जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम एज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर के इज इक्वल टू वन अभी पंद्रह मिनट के बाद ही नेगेटिव बाइनोमियल जब पढ़ेंगे तो मैं नेगेटिव एनिमल टाइप वन टाइप टू और ज्योमेट्रिक एक साथ बता दूंगा ठीक है बट बेसिकली ये समझ के रखना कि ज्योमेट्रिक का आइडेंटिफिकेशन क्या है फर्स्ट सक्सेस ठीक है जो मैंने असाइनमेंट दिया है फोन में खोल लो असाइनमेंट जो दिया है वो फोन में खोल लो उसका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आना असाइनमेंट जो दिया है वो फोन में ओपन कर लो उसका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आना ठीक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले बेसिक प्रोबेबिलिटी होगा फिर रैंडम वेरिएबल होगा और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आना देखो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12th दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में आना क्या लिखा है अ डाइस कास्ट अ डाइस कास्ट अंटिल सिक्स अपीयर अ डाइस कास्ट अंटिल सिक्स अपीयर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनना अ डाइस कास्ट अंटिल सिक्स अपीयर व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी दैट इट मस्ट बी कास्ट मोर देन 5 टाइम्स मैं समझ रहे छक्का आने तक वो अपना चांस चलेगा ठीक है बोलते हैं मोर देन फाइव तो डिस्क्रीट में मोर देन फाइव मतलब मिनिमम क्या, 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 तो क्या, क्या, तो क्या निकालना है यहाँ पर देखो हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है संग संग पूरा नोट्स एकदम अच्छे से बनाएगा सी एस वन में नोट्स का बहुत महत्व है नोट्स एकदम अच्छे से बनाएगा तो यहाँ पर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा वन बाय सिक्स फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा फाइव बाय सिक्स

फाइव फिर क्या आएगा पी क्यू टू दी पावर सिक्स पी क्यू टू दावर सेवन डॉट 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 अप टू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी डॉट 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 अपू टू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी ठीक है टेबल बुक लाए क्यू कैलकुलेटर लाए हां निकालो तो पी क्यू टू दी पावर फाइव पी क्यू टू दी सिक्स प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी ठीक है ना ये क्या हो गया मेरा इन्फाइनिट जीपी हो गया ए बाई वन माइनस आर ए बाई वन माइनस आर तो क्या हो जाएगा बताओ पी क्यू टू दी q फाइव बाय माइनस क्यून माइनस क्यू इज वॉट इक्वल क्या बचेगा क्यू टू दी पार फाइव एंड वॉट इज क्यू वॉट इज क्यू फाइव बाई स पावर फाइव इज देंसर फाइव बाई स पावर फाइव इज आंसर सबको क्लियर है ये ला सबको ला क्वेश्चन क्लियर है बोलो जल्दी आया है लेटर सबको अगला क्लियर है ज्योमेट्रिक में हमेशा हम लोग फर्स्ट सक्सेस का बात करते हैं इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था पी क्यू टू तो दी पावर एक्स माइनस वन ठीक है नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर एटीन में क्वेश्चन नंबर एटीन में आ जाओ जो लोग भी लेट आ रहे हैं हम एक दो दिन अलाउ करेंगे ठीक है हम ये मेरा डिस्क्रिप्शन है कि हम तुम लोग को एंट्री देंगे कि नहीं देंगे साढ़े दस बजे तक ही हम एंट्री देंगे उसके बाद एंट्री देंगे नहीं देंगे मेरा डिस्क्रिप्शन है ठीक तो मतलब है सक्सेस का प्रॉब्लिटी क्या पहले ये बताओ जीरो पॉइंट सेवन फाइव फेलियर प्रॉब्लिटी क्या है जीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है हम लोग को यहाँ पर क्या बोला है एप्लीकेंट विल फाइनली पास ठीक है फोर्थ ट्राई मतलब क्या हो गया पहला तीन में क्या हो गया फेलियर पी क्यू क्यूब पी क्यू क्यूब मतलब जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव का क्यूब दिस इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है यस yes, बोलो हां ये क्यों हुआ इसका पीडीएफ तुमने क्या लिखा है पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो फिर एक्स यहां पर क्या है ट्राई बोला है ना तो आप एक्स की जगह में फोर डालोगे तो पी क्यू क्यूब आपको फोर्थ अटेम्प्ट में सक्सेस मिल रहा है मतलब फेलियर 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 सक्सेस ठीक है देख लो इसको आराम से ठीक है नेक्स्ट पुट द हेडिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तुम यहां से फॉलो करो नेक्स्ट पुट द हेडिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दो पैरामीटर होता है एक्स फॉलोज बाइनोमियल एन कॉमापी x follows binomial n comma p n क्या है number of trials p क्या है probability of success and x क्या है number of success binomial distribution का सबसे बड़ा जो identification है वो है इतना में इतना success हम जब कोई बच्चा कॉलेज में होता है तो उसको आठ अटेम मिलता है नया नया एजुकेशन पॉलिसी के साथ जाएंगे तो फोर फोर इयर्स एट सेमेस्टर मतलब आठ बार एग्जाम देगा वो आठ बार एग्जाम देगा उसको छह पेपर क्लियर चाहिए तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है हो सकता है छह कोई भी हो पहला छह लाइन से निकल गया फिर लास्ट को तो मैं और कॉन्फिडेंट होकर नहीं निकला पहला तो नहीं निकला ठोकर खाया फिर लास्ट छह निकाल दिया पहला नहीं निकला फिर छह निकाल दिया ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकता है इतना में इतना सक्सेस ज्योमेट्रिक का मतलब क्या था फर्स्ट सक्सेस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है इतना में इतना सक्सेस सो so, मैं एन बार ट्रायल्स करूंगा मेरे को उसमें कितना सक्सेस चाहिए एक्स एन में एक्स ज्योमेट्रिक में एक्स क्या था ज्योमेट्रिक में एक्स क्या था बोलो नहीं ज्योमेट्रिक में एक्स था नंबर ऑफ ट्रायल्स अभी एक्स क्या है नंबर ऑफ सक्सेस ठीक है तो नंबर ऑफ सक्सेस मान लो कोई बच्चा एकदम ही निकम्मा निकला तो वो आठ बार एग्जाम दिया आठों बार फेल तो सक्सेस तो जीरो हो सकता है ना तो एक्स का रेंज क्या होगा बताओ जीरो वन टू डॉट 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 अप टू एन ठीक है नीचे आएगा टेबल बुक में आओ टेबल बुक का पेज नंबर टू में आओ टेबल बुक का पेज नंबर टू में आओ वहां पर देखो आपको एक एक्सपेंशन दिया हुआ है ठीक है ये देखो मजेदार चीज है ए प्लस बी होल टू दी पावर एन का मतलब क्या होता है टू जीरो पावर एन माइनस जीरो एनसी वन ए टू द पावर एन माइनस वन एनसी टू ए स्क्वायर बी टू दी पावर डॉट 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 ऐसे जाएगा हाँ देख लो इसको कॉपी कर लो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरे को दिया हुआ अब हम लोग इसमें क्या किए ए और बी के जगह में हम लोग डाल दिए पी और क्यू ए और बी के जगह में हम लोग इसमें डाल दिए पी और क्यू सो पी प्लस क्यू होल्ड टू दावर एन पी प्लस क्यू होल टू पावर एन विच इज एनसी जीरो पी टू दी पावर जीरो क्यू टू दी पावर एन माइनस जीरो P वन पी टू दावर वन क्यू टू दावर एन माइनस वन डॉट 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 एन सी एन पी टू तो द पावर, न, तो दी पावर न, एन क्यू टू द पावर एन माइनस एन ठीक है अब इसको हम लोग समेशन में एक्सप्रेस करेंगे अब इसको हम लोग समेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो समेशन में देखो मेरा क्या बनेगा समेशन देखो मेरा क्या बनेगा समेशन देखो मेरा क्या बन रहा है यहां पर पी प्लस क्यू तो मेरा 1 हो जाएगा पी प्लस क्यू तो मेरा 1 हो जाएगा समेशन एक्स रंस फ्रॉम 0 टू एन अब आप एक्स के जगह में अगर जीरो डालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ एक्स के जगह में अगर हम लोग यहाँ पर जीरो डालेंगे तो क्या मिलेगा पहला मिलेगा एक्स के जगह में अगर यहां पर हम लोग जीरो डालेंगे तो हम लोग को पहला वाला मिलेगा फिर आप वन डालोगे तो क्या मिलेगा दूसरा वाला मिलेगा फिर आप टू डालोगे तो क्या मिलेगा तीसरा वाला मिलेगा एंड अगर आप एन डालोगे तो क्या मिलेगा लास्ट टाइम मिलेगा तो समेशन एक्स रन फ्रॉम जीरो टू एन एनसीए टू पावर एक्स क्यू टू दावर एन माइनस एक्स ठीक है एंड समेशन ऑफ वॉट इज वन पीडीएफ याद है ना टोटल इक्वल टू वन तो ये मेरा पीडीएफ बनेगा binomial distribution में ये मेरा पीडीएफ बनेगा ठीक है तो binomial distribution में ये मेरा पीडीएफ बनेगा तो मेरा पीडीएफ क्या बन रहा है और यहाँ पर मेरा जो एक्स का जो रेंज है यहाँ पर मेरा जो एक्स का जो रेंज है वो क्या बनेगा ध्यान देना यहां पर मेरा एक्स का जो रेंज है वो क्या बनेगा जीरो वन टू थ्री डॉट 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 अप टू एन जीरो वन टू थ्री डॉट 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 अप टू एन इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बोलो हाँ कि ना इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहां तक सबको क्लियर है हाँ बोलो यहां तक पहले कॉपी कर लो बोलो एक्स तो तो का, का वैल्यू क्या, क्या क्या है जीरो वन टू थ्री डॉट 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 up to n एन असूल कॉलेज छुट्टी वाह हर वीक

इसका आइडेंटिफिकेशन लिख लो इतना में इतना सक्सेस आइडेंटिफिकेशन लिख लो इतना में इतना सक्सेस इतना में इतना सक्सेस एक्स वैल्यू जीरो क्यों ले रहे यहां पर क्योंकि सक्सेस तो जीरो भी हो सकता है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में आइए find the probability of getting five heads and seven tails in 12 flips of a balanced coin so agar maan lo main random variable leta hu getting heads to mere ko x ka value kya chahiye five. agar main x ko define karta hu number of heads aur yahan par head ka and tail ka dono ka probability kya hai 0.5 to success ka and failure ka dono ka probability kya hai 0.5 since mere ko 5 heads chahiye to main kya मतलब ncx matlab 12c5 p to the power 5 q to the power 7 देख लो इसको आराम से तो एक्स यहां पर क्या फॉलो करेगा बाइनोमियल नोमेल कॉमा जीरो पॉइंट फाइव हाँ ये रहना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में आओ एक सेकेंड एक सेकंड हो गया कौन बोल रहा एक एक है? है। कॉपी करना ऊपर में। अ ट्रॉपिकल डिजीज इफ यू कैन एज्यूम इंडिपेंडेंस एंड दैट एनी वन ऑफ विल रिकवर फ्रॉम द डिजीज तो सात में दस सॉरी दस में सात तो एक्स विल फॉलो बायोमल टेन कॉमन जीरो पॉइंट एट टेन सी सेवन पी टू दर सेवन क्यू टू दी पार थ्री ठीक है सेवन ऑफ टेन विल रिकवर फ्रॉम अ ट्रॉपिकल डिजीज और एक जन का रिकवरी का क्या है जीरो पॉइंट एट हाँ, दस में सात चाहिए नेक्स्ट बुड हेडिंग नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसका आइडेंटिफिकेशन लिखना एक पर्टिकुलर ट्रायल में एक पर्टिकुलर सक्सेस एक पर्टिकुलर ट्रायल में एक पर्टिकुलर सक्सेस एक पर्टिकुलर ट्रायल में एक पर्टिकुलर सक्सेस नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लिखना एक पर्टिकुलर ट्रायल में एक पर्टिकुलर सक्सेस ठीक है जैसे मैंने एक यहां पर एग्जांपल दिया है अगर मान लो किसी को टेंथ ट्रायल में एट थे सक्सेस चाहिए मतलब मैं कोई चीज दसवां बार ट्राई करूंगा मेरे को उसमें आठवीं बार सक्सेस चाहिए तो मतलब पहला नॉ में कितना चाहिए साथ तो नाइन सी सेवन पी टू थी पॉइंट सेवन क्यू का स्क्वायर और लास्ट वाले में क्या चाहिए सक्सेस चाहिए ही चाहिए नेगेटिव बाइनोमियल में हमेशा लास्ट में तो सक्सेस चाहिए ही चाहिए पहला नॉ में कोई भी साथ हो सकता है पहला साथ सक्सेस फेलियर फेलियर फिर लास्ट में तो सक्सेस चाहिए ही चाहिए तो एक पर्टिकुलर ट्रायल में एक पर्टिकुलर सक्सेस की अगर बात करेंगे तो वो मेरा नेगेटिव बाइनोमियल बनेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आना देखो क्या बोल रहा है अ मास्क मैन इज रिक्वायर्ड टू शूट एट अ टारगेट ही स्कोर्स फाइव बुल्स आई इज एक्स द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स द बुल्स आई ऑन एनी ट्रायल इज जीरो पॉइंट थ्री मैंने सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है जीरो पॉइंट थ्री वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिक्वायर्स एट शॉर्ट मैंने आठवा बार में पांचवा मारेगा तुम चीज समझो तुम लोग बोलेगा सर सात में भी तो पांच मार सकता है बट अगर सात में पांच मारेगा तो आठवा शॉट का तो दरकार नहीं पड़ेगा ना अगर पहला सात में वो पांच बार बुलजाई मार देगा वैसे ये बुलजाई लगता नहीं है जो टारगेट जो शूटिंग होता है वो बहुत डिस्टेंस पे होता है मतलब हम लोग बंदूक हाथ में पकड़ता है पूरा हाथ झंझना जाता है मतलब रियल जो बंदूक होता है तो ऐसा लगता है कि टीवी में जितना इजी दिखाता है वैसा होता नहीं है में देखा ना पिस्टल पकड़ता है ऐसे मारता है तो वो हाथ पूरा झंझना जाता है एक्चुअल में ठीक है तो एट तो आठवा स्वर का तो दरकार ही नहीं पड़ेगा तो आठवां में पांचवा चाहिए मतलब पहला साथ में कितना चाहिए चार क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में आऊं। सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए कैमरा ऑन करने वाला तो दीपाली जय लेफ्ट द मीटिंग नहीं सर एक्चुअली फोन से कनेक्ट था तो सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए तो सबको भी हटा दूंगा क्लास बंद कर दूंगा काव्या शाह आपका बैकअप हो गया हाँ देखे देखे। आप ही ना एनएम कॉलेज से आपने ही तो भी एडमिशन लिया ना यस yes, सर ओके बैकअप हो गया आ, हाँ सर आर देखे वाला देखे। आर वाला क्लास हो रहा है आर वाला क्लास हाँ सर देख लिया दोनों संग संग चल रहे हैं ना आर और एक आर और पेपर ए यस सर ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखो इफ दी प्रोबेबिलिटी जीरो दैट अ चाइल्ड एक्सपोज टू सर्टेन डिजीज़

छब्बीस नंबर देखो छब्बीस नंबर खुद से पढ़ के ट्राई करो और पहले का सारा रिवाइज करो एक मिनट चलो तो 26 में देखो इफ दी प्रोबेबिलिटीज सेवन फाइव पर्सन विल बिलीव अ रूमर अबाउट दी पॉलिटिशियन फाइंडिटीजेंट टू चार सक्सेस एंड लास्ट वाले में सक्सेस चाहिए ही चाहिए द परसेंट टू हियर द रूमर विल द टेन टू इट मतलब पहला चौदह में कितना चाहिए नौ no, और फिर लास्ट में सक्सेस चाहिए, ही चाहिए। ठीक है ना ओके नेक्स्ट अब उसके बाद में देखो टाइप वन और टाइप टू के बीच में फर्क क्या है ध्यान देना टाइप वन और टाइप टू के बीच में फर्क क्या है नेगेटिव बायोनोमल टाइप वन एंड टाइप टू सो एक बार टेबल बुक में आओ टेबल बुक में एक बार आना सो टेबल बुक में एक बार आना देखो पेज नंबर एट में दिया हुआ नेगेटिव एनिमल टाइप वन उसमें एक्स का रेंज देखो एक्स का जो रेंज दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ के के प्लस वन के प्लस टू दिया हुआ है ना और टाइप टू में क्या दिया हुआ है ठीक है क्या दिया हुआ है जीरो वन टू तो देखो अगर कभी भी तुमको सक्सेस को मॉडल करना होगा तो वो टाइप वन होगा और सक्सेस के पहले का अगर फेलियर्स को मॉडल करना होगा जैसे मान लो फर्स्ट सक्सेस के पहले का फेलियर्स को मॉडल करना है तो हम लोग यूज करेंगे टाइप टू क्योंकि तो वहां पर जो एक्स का रेंज है देखो जीरो फेलियर तो जीरो वन टू हो सकता है ना बट सक्सेस तुम चीज समझो पहला सक्सेस होगा ना जीरो सक्सेस तो कुछ भी नहीं होता है तो कभी भी अगर हम लोग को नंबर ऑफ सक्सेस को मॉडल model... अभी हम लोग जितना भी सब क्वेश्चन किए वो क्या किए सक्सेस का किए तो वो सारा क्या था टाइप वन तो रेंज देख के समझ में आएगा कि टाइप वन है कि टाइप टू है नहीं 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 अरे तुम मॉडल क्या करोगी तो जीरो सक्सेस मतलब तुम क्या करियो फेलियर को मॉडल कर रही हो ना तो वो टाइप टू हो गया नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी जीरो वन टू कि तुम पहला में ट्राई किया तुमको पहला में सक्सेस मिल गया बट नंबर ऑफ सक्सेस जीरो मतलब क्या तुम चीज नहीं नहीं एक मिनट हमको बोलने दो नंबर ऑफ सक्सेस अगर जीरो मतलब वो क्या हुआ फेलियर हुआ ना तो तो फेलियर को मॉडल फेलियर में आ गया वो तो आर यू हैव इन ट्राइड और इफ तो अगर तुम सक्सेस वर्ड यूज करा मतलब मिनिमम सक्सेस तुमको क्या चाहिए इसीलिए देखो वहां पर क्या लिखा है द जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम एज डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर के इज इक्वल टू वन ठीक है ना क्या लिखा है जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम एज दायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर के इज इक्वल टू वन ठीक है लिखा है टेबल बुक पेज नंबर नाइन में टेबल बुक में आना था उसके बाद में यो हो गया सबका उसके बाद में नेक्स्ट आओ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट भी होता है कंटिन्यूस भी होता है तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज डिस्क्रीट अभी हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है सेम प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है सेम प्रोबेबिलिटी जैसे मान लो हम लोग डाई थ्रो किए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी आ सकता है और सबका आने का प्रोबेबिलिटी क्या है बिल्कुल सेम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है उसके बाद में देखो इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है अब देखो मैंने रेंज लिखा है यहां पर देखो मैंने यहां पर रेंज लिखा है एक्स इज इक्वल टू ए ए प्लस वन ए प्लस टू डॉट 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 अप टू बी ठीक है अगर ऐसा होगा तो इस केस में मेरा जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो क्या बनेगा वन बाई बी माइनस ए प्लस वन क्यों मैं तुमको बता रहा हूं यूनिफॉर्म में सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना डेटा पॉइंट है और फिर वन बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट करेंगे जैसे मान लो एक से लेके दस दस डेटा पॉइंट है तो सबका कितना प्रोबेबिलिटी होगा वन बाय टेन पांच डेटा पॉइंट है तो सबका कितना प्रोबेबिलिटी होगा वन बाय फाइव सौ तो डेटा पॉइंट होगा तो सबका कितना प्रोबेबिलिटी होगा वन बाय हंड्रेड तो इसमें सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ टर्म्स है तो जो एन एट टर्म जो है जो एन एट टर्म है वो क्या है बताओ एन एट टर्म क्या है बी एंड एन एट टर्म का फॉर्मुला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है वन वन है तो वहां से देखो मैंने सॉल्व किया है ये देखो सो बी इज ए प्लस एन माइनस तो यहाँ पर एन मेरा क्या है नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स मैंने जब निकाला तो क्या है बी माइनस ए प्लस वन टर्म्स है तो so बेसिकली ये जो मेरा सीरीज हुआ ए ए प्लस वन ए प्लस टू डॉट 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 बी इसमें बी माइनस ए प्लस वन टर्म्स है तो वन बाई बी माइनस ए प्लस वन इज दूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी ठीक है ना क्लियर है सबको इसके ऊपर वाला कॉपी किया तुम लोग ये लो कॉपी किया सब लोग पहले अब इसको कॉपी करो कभी भी अगर एपी सीरीज आएगा तो तुम पहले एनएट टर्म निकालेगा एनएड टर्म से फिर तुम लोग क्या करेगा नंबर ऑफ टर्म्स निकालेगा नंबर ऑफ टर्म्स से फिर तुम लोग वन बाय एन करेगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ठीक है देख लो उसका आराम से पहले कॉपी कर लो कॉपी किया चलो इफ यू रेस्ट यू रेस्ट नेक्स्ट करो ए ए प्लस एच ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 अप टू बी तो मेरा जो बी है टर्म जो है वो क्या है ए प्लस टू एच यहां से नंबर ऑफ टर्म्स निकाला है मैंने पहले मैंने पहले यहां से नंबर ऑफ टर्म्स निकाला और फिर उसको वन बाय कर दिया है तो मेरा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के मैंने उसको वन बाय किया है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा एच बाय बी माइनस ए प्लस एच देख लो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स क्या आ रहा है मेरा वन बाय विच इज एच बाय बी माइनस ए प्लस एच एच बाय बी माइनस ए प्लस एच आराम से देख लो बोलो हां कि ना तो लिख लो डिफरेंस बाय लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस द डिफरेंस डिफरेंस बाय लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस द डिफरेंस डिफरेंस बाय लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस द डिफरेंस इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू डिफरेंस बाय लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस द डिफरेंस इज इट क्लियर ठीक है उसके बाद में देखो मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखा है ये कॉपी हो गया डिफरेंस बाय लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस द डिफरेंस कृष्णा कॉपी हो गया चलो अभी एग्जाम्पल्स कॉपी कर लो फिर उसके बाद मीन एंड वेरियंस निकालने का ट्राई करेंगे एग्जाम्पल्स कॉपी करिए अगर x का रेंज है वन से लेके सिक्स तक तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा वन बाय सिक्स वन से लेके टेन तक, तक तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा वन बाय टेन एंड वन से लेके हंड्रेड तक तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा वन बाय हंड्रेड उसके बाद में मैं एक स्टेप दिखाऊंगा तुम लोग मीन और वेरियंस निकालने का ट्राई करो देखो प्रोबेबिलिटी है k, क्योंकि का रेंज क्या है सॉल्व तो 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 करो मीन फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सक्वा निकालना और फिर वेरियंस निकालना चलो चालू करो मैं पांच मिनट का टाइम दे रहा हूँ चालू करो मैं सबको कॉपी चेक करूंगा फिर चालू करिए ऑनलाइन वाला आंसर लिखेंगे वेरिएंस का चालू करिए इसको चलो सो so, अब जैसे एक्सपेक्टेशन में देखना तो वन बाय के इज अन्स्टेंट अभी भी समेशन एक्स का होगा तो वन बाय के बाहर आ जाएगा सामने बंद कर देना तो सो वन बाई के समेन ऑफ एक्सन टू थ्री डॉट 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 अप टू के सम ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा बताओ सम ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा के इंटू के प्लस वन बाई टू इंटू वन बाय के तो ये क्या हो जाएगा बताओ के प्लस वन बाय टूल्व प्लस वन बाई टू क्योंकि यहां पर तो के प्लस वन बाय टू सबका आया मीन का आंसर क्या आया हम लोग का आंसर वन प्लस के या फिर प्लस वन बाय टू ठीक है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सक्वासुर इंटू के प्लस वन टू के प्लस वन बाय सिक्स के कटेगा तो के प्लस वन टू के प्लस वन बाय सिक्स और जब वेरियंस तो निकालेंगे तो के प्लस वन टू के प्लस वन बाय सिक्स माइनस k प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा k स्क्वायर माइनस वन बाय ट्वेल्व ठीक है ना ओके नाउ नेक्स्ट पुट द हेडिंग सबका आंसर आया के स्क्वायर माइनस वन बाय ट्वेल्व हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है

तो जब हम लोग बाइनोमियल करते हैं तो हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटीट प्रोबेबिलिटी इज नॉट चेंजिंग बट जब हम लोग हाइपर ज्योमेट्री का बात करेंगे ना दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट माने हम लोग क्या कर रहे हैं जैसे मान लो अभी हम लोग देखेंगे ट्रक का एग्जामिनेशन चौबीस तो ट्रक है तुम एक ट्रक को बुलाया बोला तुम धुआं छोड़ता है तो अगर ट्रक हाँ बोला तो हम लोग उसको साइड में कर देंगे वापस उस पॉपुलेशन में नहीं भेजेंगे तो साइड में कर देंगे तो बाकी सारा ट्रक्स का प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगा Emit करने का, नहीं करने का. So, का मतलब क्या होता है दिस इज रिप्लेसमेंट, ठीक है ना तो पहले तो ये लिखो पहले तो ये लिखो विथ रिप्लेसमेंट इज बाइनोमियल जहां पर हमारा प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होता है विथ रिप्लेसमेंट इज बाइनोमियल जहां पर हमारा प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होता है एंड विदाउट रिप्लेसमेंट इज हाइपर ज्योमेट्रिक विथ रिप्लेसमेंट इज बाइनोमियल जहां पर हमारा प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होता है एंड विदाउट रिप्लेसमेंट इज हाइपर ज्योमेट्रिक जहां पर हमारा प्रोबेबिलिटी चेंज होता है ठीक है ना सो विथ रिप्लेसमेंट इज बाइनोमियल जहां पर हमारा प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होता है एंड विदाउट रिप्लेसमेंट इज हाइपर ज्योमेट्रिक जहां पर हमारा प्रोबेबिलिटी चेंज होता है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं हा कि ना ठीक है ओके okay. अब क्वेश्चन नंबर 19 में आइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये

और उसमें से एक भी पोल्यूटेंट एमिट करने वाला ट्रक पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा तो हमको क्या चाहिए चार जो पोल्यूटेंट एमिट करता है उसमें से एक भी ट्रक नहीं पकड़ाए एंड बीस जो पोल्यूटेंट एमिट नहीं करता है उसी में से छह ट्रक को एग्जामिन करें तो हमको क्या चाहिए फोर सी जीरो इंटू ट्वेंटी सी सिक्स बट एक्चुअल में हो क्या सकता है इसमें हाँ ट्वेंटी फोर सी सिक्स बिकॉज चौबीस ट्रक लाइन से खड़ा है वो एग्जामिन तो किसी को भी कर सकता है कोई भी छे को कर सकता है सो ट्वेंटी फोर सी सिक्स ठीक है ना कॉपी कर लीजिए इसको ये डायग्राम बना लीजिए ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में आओ अमंग अमंगी एप्लीकेट फॉर अ जॉब ओनली एटी आर एक्चुअली क्वालिफाइड तो एट्टी क्वालिफाइडी क्या है नॉन क्वालिफाइड ठीक है ना फिर क्या बोलता है ऑफ आर रैंडमली सिलेक्टेड फॉर एन इन इंटरव्यू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ओनली टू ऑफ दी फाइव विल बी क्वालिफाइड फॉर दी जॉब यूजिंग बायजिंग दॉर्म्यूला फॉर दी हाइपर जो डिस्ट्रीब्यूशन तो फॉर्मूला फॉर दी हाइपर जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बात समझना मेरे को क्या बोला टू विल रैंडमली सिलेक्ट हो सकते हैं राइट क्लियर हो रहा है उसके बाद में यही सेम चीज को वो लोग हम लोग को करने बोला बाइनोमियल से तो यहां पर मेरा एंड क्या होगा बताना एन क्या होगा बताना गलत फाइव हम लोग कितना ट्रायल्स कर रहे हैं फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बोला है हम लोग को यहां पर एट्टी बाई वन ट्वेंटी मतलब क्या है सक्सेस यहां पर क्या है बताओ क्वालिफाइड होना क्वालिफाइड होना सक्सेस तो कितना में कितना सक्सेस चाहिए बताओ पांच में दो हम पांच ट्रायल करेंगे उसमें मेरे को कितना क्वालिफाइड लोग चाहिए दो तो फाइव सी टू पी स्क्वा पर पी क्या है एट्टी बाई वन ट्वेंटी एंड क्यू क्या है फोर्टी बाय

हम ऐसा बोल सकता है कि हाइपर ज्योमेट्री को हम लोग बाइनोमल से अप्रोक्सिमेट कर सकते हैं क्योंकि देखा यहाँ प्रोबेबिलिटी कॉन्स्टेंट रख दिया बट एक्चुअल में क्या प्रोबेबिलिटी कॉन्स्टेंट होगा सोचो 120 लोग भीड़ में खड़ा है तुम एक जन को बुला के पूछा बोला आप क्वालिफाइड है कि नहीं अगर वो क्वालिफाइड निकला तो अब क्वालिफाइड कितना बच गया 79 और नॉट क्वालिफाइड कितना बच गया 40 तो सारा ही तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगा ना बट बायोमेल हम लोग उसको क्या किए अप्रोक्सीमेट कर दिए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए नेक्स्ट पुट द हेडिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट पुट द हेडिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन

को मेनली हम लोग पॉइजन से मॉडल करते हैं ठीक है और दो अराइवल के बीच का जो वेटिंग टाइम होता है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल से मॉडल करते हैं जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ठीक है तो देखो एक्स का फॉलो क्या करता है इज ग्रेटर देन ठीक है अब देखो टेबल बुक में दिया हुआ पेज नंबर टू में ई टू दी पावर लैमडा का एक्सपेंशन ई टू दी पावर लैमडा का एक्सपेंशन दिया हुआ है सो वन प्लस प्लस लैमडा स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल लैमडा क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल डॉट 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 अप टू इंफिनिटी इसको देखो मैंने कैसे लिखा है इसको देखो मैंने कैसे लिखा है एक्स e के जगह में जीरो डालो तो क्या मिलेगा लैमडा टू दवर जीरो टर्म मिलेगा फिर थर्ड टर्म मिलेगा एंड सो ऑन क्लियर हो गया ये चीज अब दोनों तरफ को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पावर माइनस लैमडा से दोनों तरफ को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं e टू पावर माइनस लैमडा से e टू पावर माइनस लैमडा से मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है बताइए लेफ्ट हैंड साइड में मेरा वन आ जा रहा है एंड समेशन ऑफ व्हाट इज इक्वल टू वन पीडीएफ तो मेरा पॉइजन का पीडीएफ क्या बन रहा है e टू दी पावर माइनस लैमडा फैक्टोरियल इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस और नो बोलो हाँ कि ना देख लो इसको आराम से क्या रेट रेट को लैमडा बोलेंगे पैरामीटर मतलब रेट किस रेट से आ रहा है तो ये टू दावर माइनस लैमडा लैमडा टू दावर एक्स फैक्टोरियल और यहां पर एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है बताइए जीरो वन टू डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जीरो वन टू डॉट 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 अप टू इंफिनिटी इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नो जल्दी बोलो हा कि ना डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन इज इक्वल टू वेरियंस इज इक्वल टू द पैरामीटर विच इज इक्वल टू द लैमडा सो पॉइंजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरियंस सेम है ठीक है बहुत बार पैरामीटर में म्यू भी देता है ठीक है तो यहां पर हम लोग लैमडा यूज किए आइए आप क्वेश्चन में आइए क्वेश्चन नंबर एट में आइए क्वेश्चन नंबर एट में आइए द एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स एक्स का रेंज लिख लिया जीरो वन टू डॉट 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 ऑफ टू इंफिनिटी देश नंबर ऑफ कॉल्स दंबर ऑफ कॉल्स अराइविंग एट अ टेलीफोन एक्सचेंज इज थर्टी पर आवर तो साठ मिनट में तीस है तो एक मिनट में कितना हो जाएगा तीस बाय साठ

ो इ टू दि पावर मायनस लॅमडा लॅमडा टू दावर जीरो बाय जीरो फैक्टोरियल बोलो नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकालना मोर देन फाइव कॉल्स अराइव इन अ फाइव मिनट पीरियड तो पांच मिनट का हम लोग को लमडा निकालना पड़ेगा विच इज थर्टी बाई सिक्सटी इन फाइव विच इज टू पॉइंट फाइव तो एक्स मेरा क्या फॉलो करता है पॉइजन टू पॉइंट फाइव एक्स मेरा क्या फॉलो करेगा पॉइजन

पूजा में तुम लोगों का क्या प्लान है बढ़ाए तो नहीं करेगा घूमने फिरने का कुछ प्लान है पंडाल ओपिंग जाओगे कुछ बढ़िया है क्या न्यूज में मतलब की कहाँ बना है बढ़िया कुछ कहां पर? डिज्नीलैंड हाँ तो अच्छा है। असली में कहा है हांगकॉन्ग हम और वो हैरी पॉटर वाला कहाँ पर है स्कॉटलैंड में, में ये कहां पर होता है स्कॉटलैंड कंट्री है मतलब तो कहा है हमको आइडिया नहीं है यूके में है सब यूरोप में कोई गया है यूरोप कोई गया है अभी तक ऑनलाइन में कोई यूरोप गया, गया, गया है कोई गया भी होगा तो बोलेगा थोड़ी चलो नेक्स्ट शेड्यूल लगाना पॉइजन अप्रोक्सीमेशन सो so, बाइनोमियल से हम लोग पॉइजन में अप्रोक्सीमेट करेंगे बाइनोमियल से हम लोग पॉइजन में अप्रोक्सिमेट करेंगे ठीक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का से करेंगे ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन अप्रोक्सिमेशन इसमें क्या क्या रूल्स है देख लो वेन एन इज वेरी लार्ज एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टी एंड पी इज वेरी स्मॉल पी शुड बी लेस देन जीरो पॉइंट जीरो एक ब्लैंक शीट लेके आना तो फोन नहीं मिलेगा आना। ठीक है। है का दो पैरामीटर और ठीक है। और हम लोग अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे एनपीजल टू लैमडा एनपीक्वल टू लैमडा एनपीक्वल टू लैमडा एनपी इज इक्वल टू लेमडा का मतलब क्या हो गया बाइनोमियल का जो मीन होता है टेबल बुक में जाओ टेबल बुक में जाओ देखो बाइनोमियल का मीन और वेरियंस के बताओ क्या क्या है बाइनोमियल का जो मीन होता है वो होता है एनपी बाइनोमियल का जो वेरियंस होता है वो था एनपी क्यू ठीक है सो so, बाइनोमियल का मीन को पॉइजन का मीन से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं बाइनोमियल का मीन को पॉइजन का मीन से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं np इज इक्वल टू लेमडा वहां से मेरा पैरामीटर निकल जाएगा और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे एक और एडेड कंडीशन क्या लिखा है देखो np शुड भी लेस देन फाइव एनपी शुड भी लेस देन फाइव तो ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई होने से ही हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ठीक है आइए एक क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन एनपी देखो हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है इफ वन परसेंट जीलेट ब्लेडिटिव मैंने यहां पर प्रॉब्लिटी क्या दे दिया ये लॉपी क्या सब लोग तुम लोग ये ला ये सारा लो, सब लोग कॉपी कर लिया क्वेश्चन नंबर सेवन देखो जिलेट ब्लेडर वट इज द प्रोबेबिलिटी अ कार्टन ऑफ फिफ्टी जीलेट ब्लेड एटलीस्ट टू डिफेक्टिव ब्लेड्स ठीक है तो यहां पर मेरा एन कितना है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव तो इसको हम लोग पॉइजन से अप्रोक्सीमेट कर देंगे एक्स फॉलो पॉइजन जीरो पॉइंट फाइव ठीक है ना हम लोग को क्या बोला है हैज हैजलीस्ट least... बोलो अरे मतलब वही वही मतलब वही 0.01 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे p मेरे को दिया हुआ है 0.01 और n मेरे को दिया हुआ है 50 ठीक है p मेरे को दिया हुआ है 0.01 और n मेरे को दिया हुआ है 50 तो यहां से मेरा जब मल्टीप्लाई करेंगे np को जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा 0.5 n x क्या फॉलो करेगा फिर मेरा पॉइसन 0.5 क्या निकालना है एक्स इज ग्रेटर सो हम लोग कैसे करेंगे वन माइनस प्रोबिलिटी एक्स इज टू जीरो माइनस प्रोबिलिटी एक्स इक्वल टू वन पूरा भर्ती है असाइनमेंट में अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन एग्जाम में भी अप्रोक्सिमेशन का क्वेश्चन आता है कॉपी कर लो इसको हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू टू चाहिए तो क्या नहीं चाहिए हुआ क्वेश्चन नंबर नाइन करो सपोज दैट फ्लॉज होगा वो फ्लो लिखा है फ्लॉज इन प्रोबेबिलिटी एट फोर इंटू एट मतलब कितना स्क्वायर फुट का शीट है थर्टी टू ठीक है तो पचास स्क्वायर फुट में एक फ्लॉ है तो एक स्क्वायर फुट में वन बाय फिफ्टी फ्लॉज एंड थर्टी टू स्क्वायर फीट में होगा थर्टी टू बाई फिफ्टी फ्लॉज तो एक्स क्या फॉलो करेगा मेरा पॉइजन थर्टी टू बाई फिफ्टी ठीक है नो no फ्लॉज तो नो no फ्लॉ मतलब क्या प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एटमोस्ट वन फ्लॉ का मतलब क्या होता है जीरो और वन एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा वन हो सकता है देख लो इसको ठीक है, एटमोस्ट वन फ्लॉक कैसे निकालेंगे जीरो और वन ठीक है एक मिनट का ब्रेक ले लो सारा हम लोग का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया अब पहले यहां तक रिवाइज कर लो फिर अभी हम लोग कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ठीक है एक मिनट का ब्रेक है फिर ब्रेक देंगे लंच ब्रेक बाद देंगे पहले भी एक मिनट का ब्रेक ले लो चलू चालू किया जाए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पुट द हेडिंग कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोग लिखिए नोटेशन एक्स पॉलोज यू ए कॉमा बी अगर ऐसा नोटेशन है मतलब ये कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एफेक्स क्या बनेगा वन बाय बी माइनस ए इसका एफेक्स क्या बनेगा वन बाय बी माइनस ए और एक्स का रेंज क्या होगा ए टू बी एक्स का रेंज क्या होगा ए टू बी सिमिलरली देखो मैंने यहां पर एक दो एग्जाम्पल लिखा है कॉपी करते चलो कॉपी करते चलिए इसी चलाना कॉपी करते चलिए कौन से चैप्टर से घुसाएंगे और कौन से चैप्टर से निकालेंगे ना बस तो तुम लोग सोचते रह जाएगा मैजिक ठीक है एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म माइनस फाइव से थ्री तो एफ एक्स क्या हो जाएगा वन बाई एट कॉपी कर लीजिए अब इसका मीन और वेरिएंस हम लोग निकालेंगे यूनिफॉर्म तो मेरा FX क्या बन जाएगा निकालो चलो चालू करो चलो, 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 चलो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो सिमिलर तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क् निकालो और फिर वेरिएंस ऑफ एक्स निकालो चालू करिए चालू करिए चालू करिए मजाक मत करिए चालू करिए आज वाला सब डाल देंगे फिर संडे को आ जाना संडे को साढ़े बारह बजे आ जाना आज सुबह वाला क्लास कौन कौन किया हाथ बाकी लोग ये तो पूछ रही है कौन सा क्लास भाई क्लास अगर तुम लोग अभी भी रिकॉर्डेड का स्कीम में है ना तो तुम लोग से बड़ा गधा और कोई नहीं है लाइव में जल्दी होता तुम लोग को यही नहीं समझ में आ रहा है लाइव में बैठने का पेशेंस डेवलप होता है तुम लोग को यही नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग अभी भी रिकॉर्डेड का चक्कर में है देख लेंगे देख लेंगे कर लेंगे आपको क्या मतलब है बोलने बोले हैं क्या इतना आपको कर लेंगे ना देख लेना जो लोग भी सारा लाइव कर रहे हैं ना देखना बस खाली बोलेगा भाई कि सर सर थे तो हो गया चलो ये ला हुआ बोलो सॉल्व हुआ बी प्लस ए बाय टू आया सबका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सक्वायर निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सक्वायर निकालो एक हम लोग बेसिक का क्लास करेंगे बेसिक प्रोबेबिलिटी बेस प्रोबेबिलिटी हां प्रांजल मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में आ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सक्वायर क्या आ रहा है देखो आप वेरिएंस ऑफ एक्स निकालो वेरियंस ऑफ एक्स को सॉल्व करिए पूरा कितना आ रहा वेरियंस ऑफ एक्स बी माइनस ए माइनस बी मत लिखना क्योंकि ए छोटा है बी से बी माइनस ए का स्क्वायर बाय टू लिखने का तरीका है बी माइनस ए का स्क्वायर बाय टूवेल्व बस और कुछ नहीं सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करिए इसको इसका आंसर आएगा बी माइनस का स्क्वायर बाय ट्वेल्व इसका आंसर आएगा बी माइनस ए का स्क्वायर बाय ट्वेल्व ठीक है क्लियर ऑल ऑफ यू कोई भी डाउट बी माइनस का स्क्वायर बाय ट्वेल्व हेडिंग लगाना सी डी एफ ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सी डी एफ ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बीक्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला भाई मेरे को भी नहीं आता है सॉरी हर्ष अग्रवाल ना लाइक बीक्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला मेरे को भी नहीं आता है बी माइनस क्या होता है बीक्यू माइनस हमको याद नहीं आ रहा बोलो तीनों में प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी माइनस ए श्योर है तुम बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्र प्लस ए बी सी डी एफ ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक्सो यूनिफॉर्म एपिटल एक्स इज इक्वल प्रॉबी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स विच इज एफ विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्टार्ट टू एक्स एफ एस डी एस ए टू एक्स वन बाय बी माइनस ए डीएस तो ये मेरा सीडीएफ का निकल गया एक्स माइनस ए बाई बी माइनस ए चेक करो इसको एक्स माइनस ए बाय बी माइनस ए बोलो इसमें क्या दिक्कत हुआ बोलो हां कि ना नेक्स्ट पुट द हेडिंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट पुट द हेडिंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन गामा डिस्ट्रीब्यूशन का दो पैरामीटर होता है एल्फा और लैमडा एक्स फॉलोज़ गामा एल्फा कॉमा लैमडा हम लोग गामा इंटीग्रेशन पढ़े हैं 0 टू इनफिनिटी x टू द पावर अल्फा माइनस 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा x dx तो so, क्या आएगा गामा अल्फा बाय लैम्डा टू द पावर अल्फा हां कि ना गामा अल्फा बाय आप दोनों तरफ क्या करो लैम्डा टू द पावर अल्फा बाय गामा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो so, मेरा rhs क्या आ जाएगा 1 मेरा rhs क्या आ जाएगा 1 और मेरा lhs में क्या आएगा देखो

देख लो यहां से मैंने पीडीएफ डिराइव किया है आराम से देख लो इसको यहां से मैंने पीडीएफ डिराइव किया है देख लो पीडीएफ देख लो अब एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया है एक्स फॉलोज गामा थ्री फाइव एल्फा थ्री है लेमडा फाइव है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए एफ एक्स बनाइए इसका देखिए फिर मैं नीचे करूंगा तो मैच करिएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए 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 इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए कितना आ रहा है देखो यही आ रहेगा चेक करो क्योंकि गामा में क्या होता है एक कम का फैक्टोरियल अब इसका एक्सपेक्टेशन निकालिए x इन टू एफ एक्स डी एक्स तो देखो मैंने लैमडा टू दी पार एल्फा पे गामा एल्फा ले लिया x टू अल्फा को मैं कैसे रीराइट करूंगा x टू दीपार एल्फा प्लस वन माइनस वन तो एल्फा के जगह में क्या एल्फा प्लस वन है एंड लैमडा के जगह में तो लैमडा ही है तो गामा इंटीग्रेशन लगेगा बिकॉज रेंज क्या है जीरो टू इंफिनिटी इसमें हम लोग गामा इंटीग्रेशन लगाएंगे आगे का सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर भी निकालिए फिर वेरिएंस ऑफ एक्स निकालिए और बताइए क्या आ रहा है चेक कीजिए मैं पांच मिनट का टाइम दे रहा हूँ चालू कीजिए कुछ से बनाइए कुछ से बनाइए इसको हुआ बोलो क्या है इसका ये आ रहा है सबका ये सब आया पूरा अल्टीमेटली फाइनली क्या आ रहा सब है सबका है किसी का भी ऐसा है नहीं आ रहा है बाय लैम्डा आएगा इसका और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सप्रेस सिमिलरली करेंगे बाहर लेके सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सक्वा करेंगे तो वहां पर क्या होगा जहां पर गामा एल्फा प्लस वन था वहां पर गामा क्या हो जाएगा एल्फा प्लस टू तो ये आएगा देखो और फिर वेरियंस निकालने से भी क्या होगा अल्फा एल्फा, बाए, एल्फा बाए लैम्डा स्क्वायर सही है एकदम ठीक है ठीक है अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में

पावर में टू थ्री ये सब आएगा ना तो हम लोग को आईलेट रूल लगाना पड़ेगा फोर फोर टू इंफिनिटी करेंगे ना तो उसमें एक तो एक्सपोनेंशियल भी आ जाएगा और X का पावर में भी आ जाएगा तो वहां पर आईलेट कितना बार लगाएंगे इसीलिए कभी भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम लोग को एक बार तुम तो लोग इसका पीडीएफ बताओ क्या होगा एल्फा टू एलडेक्स का पीडीएफ बताओ क्या होगा बताओ इसका पीडीएफ बताओ क्या होगा बताओ बोलो पीडीएफ में पुट कर देके बोलो ना क्या क्या होगा हाँ आराम से बोलो पीडीएफ में देख देख के बताओ पहले तो कुछ था ना आराम से देख देख के बोलो थ्री का थ्री का स्क्वायर बाय गामा टू टू माइनस वन यही आएगा ना अब मेरा बात समझो यहां पर एक्स भी आ रहा है और ई भी आ रहा है तो आईले टू -E लगाना पड़ेगा यही समझ लो कि अगर एल्फा टू की जगह टेन होता तो कितना होता तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं ना याद आ रहा है गामा इंटीग्रेशन करने का मेन पर्पज क्या था कि एक्स का पावर में थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है और ई e के पावर तो कितना बार हम लोग बाईपास लगाएंगे तो इसीलिए मैंने देखो यहां पर एक नोट लिखा है नेवर यूज इंटीग्रेशन लिखो वी विल नेवर यूज इंटीग्रेशन वी विल नेवर यूज इंटीग्रेशन टू कैल्कुलेट दी प्रोबेबिलिटीज ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन अभी अगर तुम लोग उसको सॉल्व करने जाएगा तो उसमें आईलेटर लगा के बायपास करना पड़ेगा ठीक है we will never use integration to calculate the probabilities of gamma distribution we will never use integration to calculate the probabilities of gamma distribution instead instead we will convert it to a chi square distribution we will never use integration to calculate the probabilities of gamma distribution instead we will convert it to a chi square distribution and use tables to calculate probabilities instead we will convert it to a chi square distribution and use tables to calculate the probabilities ठीक है तो देखो x क्या फॉलो कर रहा है गामा अल्फा कॉमा लैमडा तो टू लैमडा x फॉलो करेगा काई स्क्वायर टू अल्फा अभी हम लोग गामा से काई स्क्वायर -E, हम लोग तो है अगर टू अल्फा और ये जो नीचे में जो टू अल्फा है ये हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ये हम लोग बाद में समझेंगे कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है काई स्क्वायर में हमेशा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड होगा ठीक है टू लैमडा एक्स विल फॉलो काई स्क्वायर टू अल्फा और काई स्क्वायर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं बिकॉज काई स्क्वायर का टेबल बुक में बहुत इजीली हम लोग को प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगा ठीक है कॉपी करिए अब जैसे देखो यहां पर अल्फा क्या है और क्या है देखो अल्फा टू है है ना तो सिक्स एक्स विल फॉलो का टू इंटू थ्री इंटू एक्स विल फॉलो काल्फा टू इंटू अल्फा इज वॉर टू इंटू टू फोर एंड टू इंटू लेज विक्स तो सिक्स एक्स क्या फॉलो करेगा का स्क्वायर लिखते कैसे वो भी देख लो का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं कौन सा तुम ये बताओ कि ये यू है कि ये जी है तुम खुद सोच के बताओ अभी कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो रहा है यहां तक सबको समझ में आया कन्वर्जन रूल समझ में आया कि अगर एक्स गामा फॉलो कर रहा है अल्फा को मैं लेमडा तो टू लेमडा एक्स क्या फॉलो करेगा काई स्क्वायर अल्फा जहां पर मेरा टू अल्फा क्या है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ठीक है तो सिक्स एक्स विल फॉलो काई स्क्वायर अब मेरे को निकालना क्या है ध्यान दो मेरे को अब निकालना क्या है ध्यान देना मेरे को अब निकालना क्या है उसमें ध्यान देना मेरे को निकालना एक्स इज ग्रेटर देन फोर बट एक्स तो काई स्क्वायर फॉलो नहीं करता है क्या काई स्क्वायर फॉलो करता है तो so, दोनों तरफ हम लोग सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों तरफ सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स एक्स इज ग्रेटर ट्वेंटी फोर अब हम लोग इसको less than probability में करेंगे. पहले हम लोग 6X के जगह में क्या लिखेंगे और फिर इसको लेस लोग टेबल बुक देखेंगे तो टेबल बुक में आना पेज नंबर 165 में आओ टेबल बुक में पेज नंबर 165 में आना टेबल बुक में पेज नंबर 165 में आओ प्रोबेबिलिटीज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, देखो प्रोबेबिलिटीज़ का ग्राफ बनाया हुआ है टेबल बुक का पेज नंबर 164 में वहां पर लेस देन प्रोबेबिलिटीज है सारा लेस देन प्रोबेबिलिटीज है ठीक है तुम देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फोर तो फोर में जाके ट्वेंटी फोर का वैल्यू देखो फोर में जाके वीज इक्वल टू फोर ऑफ फ्रीडम फोर में जाके 24 का वैल्यू देखो आ देखो आ रहा है तो 1 0001, कितना ईजी हो गया कोई इंटीग्रेशन ये सब कुछ नहीं करना पड़ा का स्क्वायर में कन्वर्ट करने से नहीं तो फिर इंटीग्रेशन ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स हम लोग को करना पड़ता ठीक है यहां तक पहले एकदम आराम से देख लो एकदम आराम से बोलो अगर कोई भी डाउट है तो पहले यहां पर आंसर करेंगे दो मिनट का समय लेंगे कुछ नहीं है एक्स फॉलो गैमडा टू लैमडा एक्सॉलो स्क्डा एक्स विल फॉलो का स्क्वायर अल्फा तो यहां पर मेरा लैमडा थ्री था तो बोल के क्या फॉलो किया सिक्स एक्स फॉलो का स्क्वायर फोर अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो इसी का नहीं ये रूल है कन्वर्जन रूल है प्रूफ नहीं है इसका अल्फा का टू क्यों होगा अल्फा तो उधर आ रहा है ना का स्क्वायर टू अल्फा अब देखो दूसरा वाला देखो अल्फा थ्री है लेमडा फोर है तो इस केस में क्या होगा बताओ अल्फा थ्री है लेमडा फोर है तो इस केस में क्या होगा बताओ सोच के बताओ एट एक्स विल फॉलो का

अगर 30 पे वन है तो 32 पे तो वन होगा हो ही होगा छह डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाकर देखो 30 पे अगर वन है तो 32 में तो वन होगा हो ही होगा ना तो बस जीरो तक देख लीजिए ये वाला कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक्स फॉलो कर रहा है गामा अल्फा कॉमा लैमडा देन टू लैमडा एक्स विल फॉलो का टू अल्फा आराम से देखो ये सर Yes, पहले हर्ष बोलो दोनों साइड से टू को डिवाइड करके क्या बोल रहा भाई ये दोनों साइड में टू कहां से डिवाइड हो जाएगा ये रूल है दोनों साइड में टू कहां से डिवाइड हो जाएगा अगर टू से डिवाइड ही करना होता तो फिर ये रूल क्यों बनता ये कन्वर्जन रूल है ये आगे जाके जब हम लोग एमजीएफ करेंगे तब इस चीज को समझेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों आ रहा है स्क्वायर टू अल्फा क्यों आ रहा है कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा ना डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारे बोलने से थोड़ी टू से डिवाइड कर देंगे ठीक है बोलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्टी एट देखो इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन अ सर्टेन मेट्रोपॉलिटन सिटी इन अ सर्टेन मेट्रोपॉलिटन सिटी द डेली कंजम्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन मिलियन किलोवट आवर मे बी रिगार्डेड एज रैंडम वेरिएबल हेविंग गा थ्री कॉमा हाफ इफ दी पावर प्लांट हैज डेली कैपेसिटी ऑफ ट्वेल्व एम के एच ज द प्रोबिलिटी पावर सप्लाई विल बी इन एडिकुएट ऑन एनी गिट का मतलब क्या निकालना है तो टू अल्फा मतलब क्या सिक्स तो यहाँ पर क्या बोला एक्स इज ग्रेटर और एक्स ही क्या फॉलो कर रहा है

हाँ खुशी बोलो सर अगर ये कन्वर्जन में मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ डेसिमल आ जाए तो हम फिर लीनियर इंटरपोलेशन यूज करेंगे कन्वर्जन में मल्टीप्लिकेशन डेसिमल आ जाए मतलब मतलब कि लेट से हमारा लैम्डा कुछ डेसिमल्स में है एंड देन 2 से मल्टीप्लाई नहीं नहीं वैसे, नहीं वैसे नहीं होता नहीं नहीं वैसे नहीं होता है ओके okay. यहां तक सबको क्लियर है बोलो आराम से पहले यहां तक कर लो एक्स अगर फॉलो करता है गामा अल्फा कॉमा लैमडा देन टू लैमडा एक्स विल फॉलो स्क्वायर टू अल्फा ठीक है अब हम लोग का लंच ब्रेक है एंड उसके बाद में हम लोग आगे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ठीक है थर्टी मिनट्स का ब्रेक है